बोकारो के वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर राजेश पाठक है। इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्चेस एंड साइंसेस से एमडी की पढ़ाई पूरी की है। जानते हैं बरगद के पेड़ के क्या चमत्कारी गुण होते हैं और उसे हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं। बोकारो से आज मुझे बहुत अच्छा अवसर मिला है बरगद के बारे में बोलने का। बरगद को संस्कृत में वट बोलते हैं और इंग्लिश में बनियान ट्री बोलते हैं। तो ये बहुत ही विशाल और 100 वर्ष से भी ऊपर, मतलब इसका जो लाइफ होता है वो 100 से 400 वर्ष का होता है, इसलिए इसमें चमत्कारी ही गुण है और औषधि से भरपूर है। इसमें जितने चीज होते हैं, आपका जट है, रूट है, स्टेम है, पत्ते हैं, कली है, उसमें दूध पाया जाता है, वो एक एक पार्ट जो है ना वो बहुत ही गुणकारी होता है और वो औषधि है। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है आपका वट में और पीपल में होता है। आइए कफ और आपका पित्त को समक करता है, इसलिए अर्थराइटिस के लिए बहुत ही अच्छा है। ये अर्थराइटिस किसी भी तरह का बॉडी में स्वेलिंग हो, इन्फ्लामेशन हो, उसमें ये बहुत जल्दी काम करता है। इसका उपयोग कैसे करें सर? इसका उपयोग के लिए आप उसका जो जट होता है ना, जट्टा जिसको बोलते हैं, उसको 1 लीटर पानी में उसको बॉइल कर लीजिए। काढ़ा बनाना होता है, जब आपका करीब करीब भी आपका 100 ml बच जाता है तो उसको छान लीजिए। छानने के बाद 1/2 कप मॉर्निंग में और 1/2 कप इवनिंग में आप उसको यूज कर सकते हैं। उसे किसी भी तरह का आम वात हो या किसी तरह ज्वाइंट पेन हो, उसे बहुत ही अच्छा काम करता है। उसका जो दूध होता है ना, जैसे आप मान लीजिए उसका पत्ता तोड़ते हैं तो वहां से दूध निकलता है, तो उसका दूध जो है वो किसी भी तरह का चोट लगा हो, घाव हो, शरीर से ब्लड आ रहा हो, उसको उसमें लगाने से वो इमीडिएट उसका जो है इफेक्ट दिखता है, ब्लड को रोकने में काम करता है। रोग में भी अच्छा रिजल्ट है। उसका छाल को उसी तरह से आप उबाल कर 1 लीटर पानी में, आप कहीं भी घाव हो गया हो तो आप उसको साफ कीजिए, तो उसमें अगर 1 सप्ताह यूज किया जाए तो किसी भी तरह का एक्जिमा हो या क्रोनिक स्किन डिजीज हो तो उसमें वो अच्छा काम करता है। घाव को धोने में भी काम करता है। किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो उसमें भी इसका अच्छा रिजल्ट है। छाला आ गया हो तो उसका पत्ता का गार्गल अगर आप 1 सप्ताह तक करते हैं तो जीभ का सफेद होना या मुंह किसी तरह छाला पड़ना, इसमें अच्छा रिजल्ट है। जेंट्स में खासकर जो अभी मतलब जो 13-14 साल की एज में जो लोगों का प्रॉब्लम होता है, बच्चों का आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर के, उसमें भी इसका अच्छा रिजल्ट है। सिर्फ किसी का नाइट फॉल वगैरह हो, सीट पतन हो रहा हो, तो उसमें इसका दूध जो है ना, 10 बूंद दूध बताशा के साथ या मिश्री साथ अगर आप लेते हैं तो आपका सिर पतन में भी अच्छा रिजल्ट है। और इसे जनरली जब भी लेना हो तो सुबह खाली पेट में ही लेना होता है। आपका गर्भधान में भी इसका अच्छा रिजल्ट है। उसका जो पत्ता अंकुरित होते हैं ना, जहाँ से पत्ता निकलते हैं, उसका 2 या 3 अंकुर का वो जूसा बोलते हैं वो ले लीजिए। उसमें आप दूध में 2 कप दूध में उबाल कर अगर आप उसको सुबह खाली पेट में लेते हैं तो महिला जो है बहुत जल्दी गर्भधान कर लेती है, गर्भपात वगैरह नहीं होता है। इसका आप उल्टी हो, किसी को उल्टी हो रहा हो, दस्त हो रहा हो, इसमें भी इसका काढ़ा आप यूज कर सकते हैं। इसका भी इफेक्ट मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत ही अच्छी दवा है, अच्छी औषधि है। आपका डायबिटीज में खासकर जो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, लोगों को बार बार पेशाब लड़ना, पेशाब के रास्ते में जलन होना, ये सब जो प्रॉब्लम होता है, इसमें भी आप इसका काढ़ा बना के यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, 1/2 चम्मच आप धनिया गोटा डाल दीजिए और 1 कप आपका काढ़ा रहेगा, उसे मिला के आप सुबह सुबह खाली पेट में लें तो आपका डायबिटीज में ये अच्छी औषधि है। और आपका हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसमें आपको मार्केट में वट जतादी तेल नाम से भी आता है ये दवा, इसमें आप तिल का तेल मिला करके आप अगर आप बाल में लगाते हैं तो इससे आपको हेयर फॉल भी रुकता है, किसी भी तरह का डैंड्रफ हो तो वो आपका रुक जाएगा। और इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि बरगद जो है ना वो सभी बीमारियों का एक मात्र औषधि है। आप हर तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं।